शहरवासियों को इन दिनों आई फ्लू से खतरा सता रहा है, क्योंकि अस्पताल में भी आने वाले 60% मरीज इसी रोग से पीड़ित हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या बच्चों की देखी जा रही है, क्योंकि यह रोग सबसे पहले बच्चों को अटैक करता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो इस रोग से थोड़े से बचाव और सावधानियां रखकर इसे दूर रखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस संबंध में डॉक्टर द्वारा कि किस तरह से इसे दूर रखें। ये आई फ्लू में अभी बच्चों से स्टार्ट होता है, और बच्चों की जो इम्यूनिटी कम होती है इसलिए बच्चों को जल्दी कवर करता है, और ये धीरे धीरे बच्चों से फिर पूरे घर में ही फैलता है पूरे। तो इसमें जो लक्षण आपके सामने जो आ रहे हैं, बच्चों में स्टार्टिंग में लिट एडिमा हो जाता है, मतलब आँख में सूजन आ जाती है। फिर पहले स्टार्टिंग जो होती है वो आंसू आ रहा है मेरे, कुछ कंकड़ जैसे लग रहे हैं। फिर सेकेंड डे उसको रेडनेस आ जाती है, कंजक्टिवाइटिस ब्लू डेवलप हो जाती है अच्छी तरह, फिर डिस्चार्ज भी होता है। ये तो इसके लक्षण आ गए सामने। दूसरा, इससे बचाव के लिए हमें प्रिकॉशन रखने के लिए आँख से हाथ कपड़ा नहीं लगाएं। बार बार हाथ और कपड़ा टच करते हैं ना, तो वो और इचिंग के कारण अपन करते हैं, मतलब इरीटेशन होता है तो हमारी ब्लड वेसल्स से रब हो जाती हैं, तो वो और आँख लाल होती जाती है, ठीक है। तो हमें और इन्फेक्शन कंटिन्यू बना रहता है, क्योंकि वो जैसे ही अपने हाथ में कपड़े में लिया, कपड़े से फिर दोबारा फिर कपड़ा वहीं लगाया, फिर दोबारा इन्फेक्शन, फिर दोबारा स्टार्ट हुआ वहीं पर पहुँच जाता है। तो हमें हाथ कपड़ा बार बार नहीं लगाना है, कोई भी डार्क गॉगल लगा के रखना। डार्क गॉगल का तात्पर्य ये है कि फोटोफोबिया होता है, मतलब धूप वूप में देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए डार्क गॉगल, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि अपन लगा के रखेंगे डार्क गॉगल तो अपन स्प्रेड नहीं हो पाता, दूसरों को नहीं फैल पाता है, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल एक कोई भी ऑइंटमेंट कोई भी एंटीबायोटिक डालना है, कोई भी कीटरोलक वगैरह, मॉक्सिकेटी है ना। और ज़्यादा सीवियर होता तो अपन देखते हैं, तो स्टीरॉयड यूज करते हैं, नहीं वरना स्टीरॉयड की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो बस यही है इसके बारे में, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है।